दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मेरे कारण अपनों को तकलीफ ना हो, वरुण धवन। 2 घंटों में गैर कानूनी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाएगी सोशल मीडिया कंपनियां। मोदी की करतूतों को देखकर खुदकुशी कर लेता एडॉल्फ हिटलर, ममता बनर्जी। अब खबर विस्तार से। मेरे कारण अपनों को तकलीफ ना हो, गर्लफ्रेंड को जान से मारने की धमकी मिलने पर वरुण धवन। एक्टर वरुण धवन ने एक फीमेल फैन द्वारा गर्लफ्रेंड नताशा दलाल को जान से मारने की धमकी देने पर कहा है कि यह गलत है, मेरे सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से मेरे अपनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपने फैंस के साथ बेहद विनम्र हूँ, हमेशा उनके लिए समय निकालता हूँ, लेकिन किसी अप्रिय घटना की उम्मीद नहीं करता हूँ। 2 घंटों में गैर कानूनी कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाएगी सोशल मीडिया कंपनियां। भारत के इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन IAMI ने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया कंपनियां नियम उल्लंघन करने वाले कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से 3 घंटे के बजाय 2 घंटों के भीतर हटाने पर सहमत हो गई है। गौरतलब है कि मतदान से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई प्रचार प्रसार नहीं करने का नियम है। मोदी की करतूत को देखकर खुदकुशी कर लेता एडॉल्फ हिटलर, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि मोदी दंगों और नरसंहार के माध्यम से राजनीति में आए है, वह फांसीवाद के राजा है। अगर एडॉल्फ हिटलर जिंदा होता तो मोदी की करतूतों को देखकर खुदकुशी कर लेता। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बनना चाहती है तो उसे दूसरों से मदद मांगनी होगी। तो MNS News की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।